दोस्तों, मैं हूँ राहुल। आप देख रहे हैं राहुल ड्राइंग एकेडमी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ड्राइंग चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्केच का आउटलाइन कैसे बनाएं। सो मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मैम की, और जो कि HD फ़ोटो है। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी आउटलाइन जो है वो अच्छे से दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी लाइनें हैं वो सारी क्लियर हैं। आपको ऐसे ही फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आप ऐसी फ़ोटो सेलेक्ट कर लें कि उसको आप जूम करें तो बहुत ज़्यादा फट जाए वो फ़ोटो, तो मतलब क्लियर। तो इस फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये करना है कि आपको इसके कलर को भी चेंज कर लेना है। जैसे कि ये कलर में है फ़ोटो, तो इसको आपको ब्लैक एंड वाइट में कर लेना है। और यकीन मानना दोस्तों, अगर आपको स्केच बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और आपने इस वीडियो को पूरा देखा बिना स्किप किए हुए, तो आपके ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है वीडियो। और अगर आपको भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में एडिट कर लेते हैं। तो फ़ोटो एडिट हो चुकी है और जूम करने पर इसकी लाइनें भी क्लियर दिख रही हैं। तो अब आपको करना क्या है, स्केल और जो भी आप पेंसिल यूज़ करते हैं, मैकेनिकल पेंसिल या कोई भी नॉर्मल पेंसिल, आप उसकी सहायता से और एक रेज़र ले लीजिए कि कहीं भी अगर गलती हो तो उसको मिटाने के लिए। तो आपको स्केल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और पेंसिल तो ज़रूरी है ही है। तो आपको स्केल की सहायता से ही आपको फ़ोटो को जूम करके, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, और फ़ोटो को जूम करके जो भी उसकी लंबाई है, मोटाई है, उसकी चौड़ाई है, ठीक है, जितनी भी उसकी लेंथ है उसको आपको माप लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस बैटरी की सहायता से सबसे पहले राइट की तरफ से आँख से आप स्टार्ट करता हूँ बनाना, ठीक है। तो आँख से आप स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बढ़िया स्केच बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसकी माप ले लेना है, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक आपको 2 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा। और पूरा अगर हम ब्लैक वाला स्पेस भी लें तो यहाँ तक ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी पटरी को आपको अपनी कॉपी पे रखना है और वहाँ पर भी आपको ऐसे ही डॉट रख लेने हैं, ठीक है। अच्छे से पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे कि इसकी साइज़ कितनी में आएगी फ़ोटो की, है ना, आपने पेज के अकॉर्डिंग। तो अब इस तरीके से आपको डॉट रख लेना है, जैसे मैं ये देख रहा हूँ इतनी दूरी पे आ रहा है, तो यहाँ से हम इस डॉट को रखेंगे ताकि फ़ोटो पूरी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे और इस तरीके से आपको डॉट रख लेने हैं, ठीक है। तो अब आपको आँख की मोटाई का माप ले लेना है, जो कि यहाँ से और इतनी दूरी पर आ रहा है, ठीक है, इस जगह से। और आपको यहाँ पे एक डॉट लगा लेने हैं, निशान लगा लेना है कि कितनी मोटाई है आँख की। तो इस तरीके से आपको इसका माप ले करके और यहाँ पे डॉट रख लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको इसको क्या करना है, अच्छे से देख करके और इसको आपस में मिला देना है, जिस डायरेक्शन में भी आँख की जो भी लाइनें हैं उसमें आपको डॉट से मिला देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका मिल गया, और उसके बाद में जो भी ऊपरी पलके हैं उनको भी आपको अच्छे से मिला देना है, जो कि आप माप करके और डॉट रख लेना है स्केल से। आप चाहें तो और भी डॉट रख के कर सकते हैं, और अगर आपकी अच्छी ड्राइंग है तो आप 2-3 डॉट रख के भी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अपनी पेंसिल से भी आप माप ले करके और डॉट रख सकते हैं अच्छे से। तो ये आपकी राइट साइड की जो आँख है वो ड्रॉ हो चुकी है, और इस तरीके से आपको यहाँ से माप ले करके और दूसरी वाली लेफ्ट वाले साइड की भी आँख बना लेनी है, ठीक है, जो कि यहाँ से और यहाँ तक माप लेने पे आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मोटाई भी आपने माप ले ली है इस तरीके से। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ड्राइंग तो बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं डॉट रख करके। आपको 1 से 1.5 घंटे या आप स्टार्ट करेंगे तो 2 घंटे भी आउटलाइन बनाने में लग सकते हैं, पर आप अगर कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी ड्राइंग अच्छी होती रहेगी और आप बना सकते हैं। तो फिर आपको नाक बनानी है, ठीक है, तो आँख से ही आप कोई भी नाक का एक पॉइंट डिसाइड कर लीजिए और वहाँ तक आप माप ले करके और अपनी कॉपी में
डॉट रख के उसे मिला सकते हैं। जैसा कि मैंने माप ले लिया है, एक पॉइंट सिलेक्ट करके इसमें आपको तो दो से तीन, तीन से चार पॉइंट आपको सिलेक्ट करने होते हैं, एक बीच के और दोनों साइड के, नाक की मोटाई और इसकी लंबाई। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर आपकी नाक भी बहुत ही अच्छे से आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेना है, आप अपनी पेंसिल से माप करके और मिला सकते हैं। तो अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसको आपस में मिला देना है। इस तरीके से आपको अच्छे से मिला देना है। यहां से यहां तक अच्छे से आपको मिला देना है। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को देखते रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ड्राइंग के अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नई नई वीडियो आपको देखने को और अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। ड्राइंग के नए नए ट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। सो अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, देखिए आपको एकदम उसी तरीके से नाक ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, आपको भौहें भी उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेनी है। तो ये दोनों भौहें अब ड्रॉ हो चुकी हैं। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको मुंह को भी वैसे ही माप करके और अच्छे से डॉट रख लेने हैं। ठीक है, थ्री डॉट, जितने भी उसके ऊपरी होठ और नीचे के होठ की लंबाई है उस तरीके से आपको वैसे तीन डॉट रख लेने हैं। उसके बाद इसकी लंबाई के भी नाप ले करके और डॉट अच्छे से रख लेने हैं दोनों तरफ से। आप ऊपर से नाक से भी दूरी माप करके और अच्छे से डॉट रख सकते हैं, ताकि इधर उधर आपका ज़्यादा ना भागे। तो इस तरीके से आपको डॉट रख लेने हैं, ताकि एकदम अच्छे से आप ड्रॉ कर सकें, क्योंकि स्केच में मेन चीज़ आपका होता है होठ। ठीक है, अगर आपने मुंह को बहुत ही अच्छे से एग्जैक्ट ड्रॉ किया तो वो स्केच आपकी एकदम रियल लगने लगेगी। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको अपनी पेंसिल की सहायता से जो जिधर भी उसके डायरेक्शन है, जो भी लाइनें जिस डायरेक्शन में गई हैं, उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा नीचे करके ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, मिटा करके आपको अच्छे से फिर से ड्रॉ कर लेना है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट जो होता है वो आपका होठ ही होता है। ठीक है, अगर इसको आपने अच्छे से ड्रॉ कर दिया तो नाक में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए आँख में, फिर भी आपका चेहरा निखर के आ जाएगा कि हाँ आपने किसकी स्केच बनाई है। तो मेन पार्ट जो होता है वो आपका होठ ही होता है। तो अच्छे से इस तरीके से आपको कर लेना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी हाईलाइट के पार्ट हैं या जहाँ भी बहुत ही ज़्यादा डार्क एरिया है वैसे कर लेना है। फिर आते हैं फेस की जो कटिंग है उस पर, जितने भी मतलब दूरी पे हमको लाइन लेनी है, आप इसके लिए अपनी पेंसिल की सहायता से वो माप ले सकते हैं। आँख से कितनी दूरी पे हमको लाइन खींचना है, नाक से कितनी दूरी पे लाइन खींचना है, ठीक है, वो पेंसिल की सहायता से या पटरी की सहायता से आप डॉट रख करके और अच्छे से वो चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने डॉट रख लिए चारों तरफ, इधर भी माप करके डॉट रख लिया हूँ। ठीक है, अब जो आपका माथा है वो भी आप नाप लेंगे अपनी पटरी की सहायता से या पेंसिल की सहायता से और डॉट रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन सारे डॉट्स को अच्छे से जिस लाइन में, जिस डायरेक्शन में ये लाइन मिली हुई है वैसे आपको ध्यान से देखते हुए और अच्छे से धीरे धीरे आपको मिला देना है। ठीक है, कि कहाँ पे लाइनें मतलब सीधी हैं, कहाँ पे घूमी हुई हैं, तो उस चीज़ को आपको अच्छे से देख करके
और आपस में मिला देना है डॉट को। जितनी भी बिंदे आपने रखी है, जितने भी डॉट्स आपने रखे हैं, उनको आपस में मिला देना है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, आप स्केच बना सकते हो। हाँ, एक दो स्केच आप बनाओगे तो हो सकता है उतना बेहतर ना बने, लेकिन अगर आप इस तरीके से आप बनाते रहोगे तो थोड़ी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको स्केच बनाना आ जाएगा और बहुत ही अच्छा ड्राइंग आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतर तरीका है स्केच बनाने का, डॉट और पटरी की सहायता से वो चीज़ें माप करके। थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। आपकी ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ये वीडियो से मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है। अब ऊपर भी आपको ऐसे ही मिला देना है, जितनी भी दूरी है वहाँ से लेकर के अच्छे से धीरे धीरे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है, वरना मैंने भी लगभग इस वीडियो इस आउटलाइन को बनाने में लगभग 1 घंटा मेरे को लगा था। तो अच्छे से आपको इस तरीके से मिला देना है। फिर आपको बाल जितनी भी दूरी पे है उसको माप लेना है, जैसे इतना है डॉट रख दीजिए, फिर उस डायरेक्शन में आप उसको कर दीजिए, यहाँ पे इतना है, ठीक है। तो इधर भी मैंने डॉट लगा लिया है, उसको मिला दिया है, फिर उसके बाद इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ कान दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बालों में ढका हुआ है, लेकिन कितनी दूरी पर बाल बिखरा हुआ है उन चीज़ों को आप देख करके और अच्छे से कर लीजिए। और बाल जिस भी डायरेक्शन में हैं, जहाँ जहाँ भी आपको हाईलाइट दिख रहा है कि हाँ बाल यहाँ से मुड़े हुए हैं, इस डायरेक्शन में हैं, उन चीज़ों को आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ पे बहुत डार्क एरिया है वहाँ पे आप पेंसिल से अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच की मांग से आप इस तरीके से अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपने सीखा ज़रूर होगा, आपके ड्राइंग में कुछ ना कुछ फ़ायदा इस वीडियो से आपको मिला होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज इस वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बाकी इसकी दूसरा पार्ट जो शेडिंग का है वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।